महापुरुषों पोथी कौनसी ना कौनसी बाटे से पहुंच जाए तेज पोथी अधिकारी होती महाशय से बहुत जगार शास्त्र रखी एवं से अच्युत शास्त्र बाहर ना भोग मंडप जहाँ आपंती गले पुरी रे रथ बंद हम महापुरुष अच्युत लिखते भक्त थी मालिका बर्तमान जनमानस पड़ा माँ आसिकर का रात कही कहीदब से आ दुख कर रथ ये बंद हो। नमस्कार, जय जगन्नाथ। तेबे वर्ष वर्ष धरी मालिकार अनुसंधान आमर जारी रही भितर भेटीचु आम अनेक किसी मालिका वर्णित 256 भक्त को भेटीचु या भितर मालिकार गवेषक मानक भेटीचु या भितर आम मालिकार जो मैंने अच्छा रिसर्चर तक भेटीचु जो मैंने डिकोडर से भेटीचु प्रवचक मान भेटीचु जगन्नाथ कथा संस्कृतिर महान प्रचारक मानक भेटीचु या भितर बहुत किसी बुद्धिजीवी मानक भेटीचु से भाई आम आज आँचाई मालिका बनता 256 भक्त भितर अन्यतम ना प्रकाश करने आमको अनुमति ना। ओडिशा हाइकोर्टर लीगल सर्विस सुपरिटेंडेंट तांका सहित वर्तमान आमर आज रही विशेष साक्षात्कार आप स्वागत कर चैनल। नमस्कार। आपण तो एपटे हाइकोर्टर लीगल सेल लीगल सर्विस सुपरिटेंडेंट सेपट काम करछंती पण मालिका भितर आपण मन केमिति कोन पसिगला से विषय टिके कहंतु। क्लेम गुरुदेवाय नमो, क्लेम गुरुदेवाय नमो, क्लेम गुरुदेवाय नमो। अच्युत गोलोकनाथ साक्षात विष्णु स्वरूपकं पद्मवने विहरंच अच्युताय नमो। महाशय, मु लीगल सर्विस अथॉरिटी सुपरिटेंडेंट हिसाब से काम करी एवं रिटायर कर जाइछि। आपण जो प्रश्न मते पचारिले ते आपण ये लाइन की किभळि आसिले जने चाकिरिया लोक आड़क आसिले काहिंकि मोर पूर्व जन्म कथा छाड़ंतु ये जन्म भितर मु पिला दिनु धर्मावलंबी एवं मो जीवन चाकरी पीरियड भितर मु विभिन्न लोक दान स्वरूप किसी मागि निजर कि अर्थ खर्च करी गोटे हनुमान मंदिर गोटे जगन्नाथ मंदिर गोटे राधाकृष्ण मंदिर गोटे शिव मंदिर एवं गोटे नृसिंह मंदिर मध्य जगत भगत दान रे तैयारी कर उद्यम ये मोर उद्यम भगवान इच्छा थी मोर तो उद्यम नुहे अधम किसी करूँ तो कला लोक सीए जे कि तार निर्देश रे सब गोटे गोटे काम हो जाए। बाबा खूब सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। तेणु ठाकुर जो निर्देश ताकू तो कहवा सहज नुहे कह उचित नुहे तेरे कि अनुभूति जेणु आप पचारुभूति कह आवश्यकता अच्छी। निकटरे मोर गुरु दिवंगत सुधाकर दास आज जे कि कनक दुर्गा मंदिर निर्माण कर लोक अदालत पुरी जा पुरीर सर्किट हाउस रही जीवा पूर्व मो गुरु कहले मोट कि पैसा ने कालिया बलिया को कहबू टे कुंडी नगर में विजय करी मुझे ठीक अच्छे मुदेवी मोर कि दोष ना सोटू कह हौ प्रभात उठिक गली प्रभात उठी गला प्रथम मुझे मुख्य 22 पावत नहीं सारापर मुख्य मंदिर निकट में पहुँचली जोटी की आम लोक मैंने उत्तर और दक्षिण बाटे जाती मुझे तो पूर्व द्वार रे पहुँचली जो गुटाक भोग मंडप है प्राय 30 वर्ष तले हाँ 20 वर्ष हम भोग मंडप पहुँचल भोग मंडप दुईकर दीटा एमती पहाच होती कहीं मन है उठीगली देख ला बेलू पूरा मंदिर खोला शेकर गरुड़ मुतर केमी जी यही समय जड़े वृद्ध माता निहाती 80 वर्ष उपर पतला धला लुगा पिंधि करे ठिया होती कहे अरे जाऊनु भितर को मुझे टे रुकीगली कमी मंदिर भितर कटे कहीं उठेली पुणी द्वित थर तत्पा कौच जा मुझे मंदिर अधेरे यही समय से कहले कह यही थे आईचु अंडीरा कुंडीनगर आईचु
मोर हठात चेता आसीगला मुझे आरे आरे ये तो ठाकुराणी मुझे कौन कली आउ पछुक अनिली न पछुक न अनि पलैगली गरुड़ खंप पाक गरुड़ खंपार प्रभु को प्रणाम कली एवं कहली मु प्रभु किसी कहूनी मो गुरु कहते कालिया भाया तुम्हें दीजनाक कुंडी नगर में विजय हे यही कथा कह आती कह अनला माँ ना माँ ना संध्या बेलू आसली संध्या कनक दुर्गार गुरु बस भाव बेला गुरु बच्चे गुरु पचारे पूरी जाइल मुझे हाँ पूरी जा भोग आनी ना कौन देख लु मैं ठाकुर देखिली ना ना आउ कौन देख लु मुझे आउ कौन देख ली कहूना तुम कौन जान ना ठाकुर मत कही सारी तू आक अनु मुझे ना ना मत तुम कही दर्शन करने पूर्व पछुक अन भूल हो तेणु मु सीधा पलैली मोर हटात चेता आसीगला ना मुझे पछुक अन अच्छा ना ठाकुर से कहीदेगी पगड़ा जा मुझे दुआर मेरे भितर को चल या बहुत लोग पचार ये भोग मंडप दे किए जाती ना भोग मंडप किए जाती आप गले मुझे मुहपर ये हूँ मोर अनुभूति जो ठाकुर कुंडी नगर को विजय करवा कथा आपण निकटने हनुमान पाखे तापर जगन्नाथ बलभद्र या रथ चलुला रथ मध्य बंद हो गला रथ बंद हबार कारण हूँ आपण मानक एक कहि जे पुरी रे रथ बंद हम बोली महापुरुष अच्युत लिखि मु पचारि मत माँ कनक दुर्गा कौन कले ना आज आठ वर्ष नौ वर्ष हो गला कहले से पगड़ा को कहीदबू एठ रथ तार बंद हम मुझे कहीं पूरी रे महापुरुष लिखे रथ बंद हम ये क्या रथ बंद हम ना माँ तो कही रथ तोर बंद हम ये हूँ पिंड ब्रह्मांड भितर कथा जेणु मुझे ठाकुर सीट आनी ठाकुर भितर बहुत अनुभूति से आ समस्त कहवा तो ये सहज नुहे मुझे अच्छा ठीक अच्छे सतुका सत आसला रथ बंद हाँपी आपण मैंने जानते हैं सुप्रीम कोर्ट रे केस इत्यादि है दीदी अच्छे मतलब लोक मैंने पचारती मुझे यार मुझे रथ बंद हेनी पूरा ना कम तुम कौ मुझे जदि तुम कौ तो माँ कनक दुर्गा कही कथा मिछ हो दुई दिन अच्छे लोक भी सन्देह कल ना मुझे कोरोना समय रे जो सुप्रीम कोर्ट जो भली हाँ रथ बंद हाँ ही ना से समय कथा कोरोना समय कथा सोटू दी दिन अच्छे तो जजमेंट आसला जजमेंट आसीगला तेणु लोक मैंने कहे अरे सत मुझे अरे देख जो माँ कही कौन कही मो गुरु कहते माँ आसिक रात कही कहीदब से आ दुख कर रथ ये बंद हो कारण पिंड ब्रह्मांड रहा ये हूँ गुप्त शखनाभि क्षेत्र तेणु पिंड ब्रह्मांड में चलो तेणु गुरु कहले अरे ब्रह्मांड में रथ चल पिंड में बंद हो तु ठाकुर केमती जानचु तु जानु तेणु से मत राजा बाबू जा बैश पाच पहुँचला बहुत कम कमी काठ आस गई मतलब देख ला बेलू तादेह किसी नाला मुझे टांगिया धीरे काटिया बुलू थाए तेणु ये हूँ मोर अनुभूति तेणु ता पूर्वर अनुभूति हूँ मु सब ठाकुर प्रेम भेतर थाए कीर्तन करे नाच करे नाच शिखाए ये सब हूँ मोर पिला दिन कर्म तेणु ता मध्य मु महापुरुष अच्युत आश्रित होगली एवं मत गुड़े ग्रंथ ता संगे संगे महापुरुष बहुत ह्रास मिलगला पृथ्वी पृथ्वी ह्रास जोटा कि बर्तमान अप्रकाशित कहीं प्रकाशित है मुझे क्या देवी नहीं कहीं जी मत देला बेले मत कहीदेला कह मु तेज देली जे मत तु सत्य करी मुझे कौन सत्य करी कह ना तु सत्य कर मुझे हाँ सत्य कर ना या क्या दबु प्रकाश कर ना प्रकाश कर दबुन क्या दबुन आपण जशोबंद गादी पाखु जन आसाला शुणिक कहला तुम गोपाल रास मत दि गोपाल रास नियम होदि तुमको माने हम तुमको स्वप्नागत तमें से रास पढ़ ना पढ़ी पार ना घर पढ़ मिलना ना तेणु पढ़ले तुम क्षति हम कौ कौ रास आप मो पाखे आज
बहुत ह्रास तो अच्छे महापुरुष बावन ह्रास मो पाखे प्राय पैंतालीस सतचाश टाइम तेनालीराम सब प्रभु इच्छा से जो बाबू से चली गले से बहुत बुलिक नयागढ़ ठू आरंभ कर आपणकर बालीचंद्रपुर ठू आरंभ कर जो सब पोथी थे से आई संग्रह करते सी मोर अति प्रिय लोक थ शेष समय से सब जगह मत दीदी दी चली गले यही गोटे पकईदले ना तू क्या तेज दर्शक बंधु मालिका बनी तो 256 जन भक्त जो जहाँकि मालिका सीधा साल गोटे प्रमाण दिए जो मैं पाखे महापुरुष पोथी कौन सी ना कौन सी बाटे से पहुँच जाए तेज से भाई पोथी अधिकारी होती महाशय से नुहे मातृशक्ति सहित डायरेक्ट कथ हूँ माँ सारला एपटे माँ कनक दुर्गा माँ विरजा डायरेक्ट से कौन सा कौन सी बाटे आसती सहित कथ हूँ तेरे ये सब हूँ अनुभूतिर कथ सब हूँ जी अंग निभ थे से सब से जानपारे आ जो मैंने हे तो यह सब निजे अंग निभ ना से सब कहानी भल लगे तेरे मालिक वर्णित 256 जन भक्त भितर अन्यतम भक्त आपत देखुं सार को कौ ग्रंथर आप अच्छी आमे तो जानी आपन प्रथम कहते जदि पचारुचंती कहिबा तो आम लोक माने जानती किछि शास्त्र महापुरुष लक्षे ग्रंथ जाए संपूर्ण भेद न पाती कहीं महापुरुष लक्षे ग्रंथ सरीला ये निकटस्थ चौकी बटरे अच्छा सी है पद्मवन ये चौकी बट है द्वितीय पद्मवन पद्मवन आ ये अंचलटा हूँ गुप्त शंखनाभि क्षेत्र गुप्त शंखनाभि क्षेत्र रास महापुरुष लिखिंट जेभली आपणकर पुरी रे शंखनाभि दक्षिणावर्त शंख भि शिव मान जगी रही से जगी रही जहाँकिखा मध्य अच्छी यहाँ मोर निजर कि नुहे से गुरुदेव लिखिं आम पढ़ुच सत मीच से गुरुदेव जानते तेणु किए कौन दे आम लोकों ठूँ आनीचु रास मध्य देखु तेणु रास मध्य आप प्रश्न पचारे अनित्य रास नित्य रास आपणकर बसंत रास गोपाल रास जो गुड़ाक अन्य मानक पाखे ना मुझे गुड़ा ही कौच आकाशित आज्ञा नारदी रास बहुत सब तो मन पड़ूनी गंगा रास हरिका लोक गंगा रास जमुना रास लोक अच्छी कि समस्त आपणकर राधा दूती रास जोटा कि अप्रकाशित कहबनी राधा दूती जो प्रेम एवं कृष्ण जो प्रेम थिला कुंडीकल्प मालिकार आप आज्ञा कुंडीकल्प टीकार अच्छी कुंडी भक्त भविष्य अच्छी कुंडी संगीत अच्छी जहाँ को अप्रकाशित ग्रंथ सब अच्छा तेज गोटे कथा मत कहतु जे कि बर्तमान देखु एमती कौन समय आँचला जहाँकि गुप्त थिवा मालिका वर्तमान जनमानस रे खुरी पड़ा भल कथा पचार महापुरुष लिखिं जे शास्त्र तो मुझे कही पारे तुम्हें कथा विषय कौच 2000 मसीह मोर शास्त्र खोल 2000 मसीह पर शास्त्र खोल केतेबेले ना जितेबेले भद्रावटरे यज्ञ हम भद्रावट आपणकर साहेश्वरी साहेश्वरी 1999 यज्ञ होता जो प्रश्न आप पचारुले महापुरुष कथा महापुरुष से चतुर्दश जन्म 2000 मसीह कथा कौन से ना प्रद्युम्न केशर एवं महापुरुष कुंडी संगीत लिखिं जन्म भितर मुझे लिखी कौट किए जन्म होते तांगर 14 जन्म सर 15 जन्म पुणी आसीबो 15 जन्म घोर लीला खेल ये कली नथिबो कली नष्ट तेणु सी बर्तमान बाया बातुला भाग में बुलुंतु कि लोक दर्शन करते जाणीदे लोक मैंने जो मैंने देखले पचारिदे शास्त्र देखते बुलू बाया बातुला सी पलैगले स्थान जन्म जरिया नई कूल विनोद बिहारी पाखे एवं से बाया बातुला बुलूं पक्षर तक ना हो पक्षर प्रद्युम्न केशर गोटे जगह लिखिंट आ गोटे जगह लिखिं पक्षर तेनाली से बाया बातुला बुलूं बाया बातुला तो नुह लोक चिन्ह न देवाई बाया बातुला बाया बातुला रूप नहीं आज्ञा अच्छा
ତ ମୋର ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଚାହିଁବି, ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ କି ଯେଉଁ ମାଳିକା ଦିନେ ପୋଥିରେ ଆଉ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମହନ୍ତମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିଲା, ମଠ ମହନ୍ତଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିଲା, ସେ ମାଳିକା ଆଜି ଜନମାନସରେ ପୁରୀ ପକାଇଲା, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ନାଁରେ ଆଦର ପାଇଛି। ମହାପୁରୁଷ ସପ୍ତଦୀପା ମହି ବୁଲିଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀ, ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଜାଗାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିବା ଲୋକ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଜାଣିଛୁ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ସପ୍ତଦୀପା ମହି ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ବାହାରିବ, ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇପାଇଁ ଲେଖିଲେ ସତୀ ସୀତା ଦେବେ ଅସତୀ ହୋଇବ, ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଆନନ ହୋଇବ ପଥରର ଗାର ସେହି। ତେଣୁ କଥାଟା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେ ତ ହେଲେ ସତ୍ୟ କୃପା ଜଳ ସ୍ତୈବ ତ୍ରେତାରେ ନଳ ନାମକ ଦ୍ୱାପରେ ସୁଦାମା ସଖା କଳୁ ଅଚ୍ୟୁତ ମୁଚ୍ଚତେ। କଳି ଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏବଂ ଲୀଳା ଖେଳା କଲେ, ତିଳକଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଦ୍ମବନରେ ଲୀଳା ଖେଳା କଲେ। ପଦ୍ମବନରେ କାହିଁକି ଲୀଳା କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 କଳିରେ ଅଛେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 କଳିରେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ ତ୍ରେତୟା ଗଲାଣି ଏଇ ମେଦିନୀ ରହିଛି, କେତେ ଦୁଆପର କଳି ଯୁଗ ଗଲା ଶୁଣରେ ବର ଯାଉଛି। ଆପେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଲୀଳା ଖେଳା କରିବାକୁ, କେତେ କେତେ ଅବତାର ଯେ ଗଲାଣି କିଏ ଗଣିପାରେ ତାହାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛେ, ଏ ହେଉଛି ଏକବିଂଶ ଦ୍ୱାପରରେ ଏଠାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 28 କଳି। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଗ ଏରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିକିରି ଯେତିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ହୁଏତ ସତ୍ୟ ନ ହେଇପାରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁକ୍ମିଣୀ ବି ବର ଲୀଳା ସେଠି ହଉ ଚାଲିଛି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଆଗ ଯେଉଁ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାପର, ସେ ଦ୍ୱାପରରେ ସେ ସିଟେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ, ଏଇ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ, ଏଇ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ନେଇ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ନେଇ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ବୁଝିହେଉଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚାଲିଛି 28 କଳି, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ଗବେଷକ ମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଇଟା ଚାଲିଛି କାଳେ 52 କଳି, ମାନେ ତାରତମ୍ୟ ଏମିତି କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ତ ସେମାନଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭୁଲ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା, ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଅଷ୍ଟବିଂଶ କଳି ବୋଲି, ସେ ପଦକ ବାହାର କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ନେବ, ହେଲେ ମୁଁ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି। ଠିକ୍ କଥା, ଭଲ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ସେଇ କଥାଟି ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ଯେ କି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରୁଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେଣୁ ଆମେ ନିତ୍ୟପୁର ନିବାସୀ ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ। ସେ ନିତ୍ୟପୁର ନିବାସୀ ସବୁବେଳେ ଲୀଳା ପାଇଁ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ କିଏ? ଭକ୍ତ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛାଙ୍କୁଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ସେହିପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଭକ୍ତ, ମାନେ ଜାଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏପରି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, 148 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 148 ଜଣ ଭିତରୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହାପୁରୁଷ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା, ସପ୍ତସଖା, ପୁଣି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ, 16 ସର୍ଦ୍ଦାର, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି 148 ନା ଇଏ ଅଲଗା? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 16 ମଣ୍ଡଳ କଥା, ଆପଣ 16 ମଣ୍ଡଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ 16 ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ, ଏବଂ ଆଉ 4 ସଖା ରହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା, ତାପରେ ହେଲେ ସପ୍ତସଖା, ତାପରେ ହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ, ତାପରେ ହେଲେ 24 ଦାସ, ତାପରେ ହେଲେ ସତେ ଭ୍ରାତ। ଏ 148 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶାଇଦେଲେ 148 ଏମାନେ ବୁଲିକିରି ସେତେବେଳେ ବି ରାସ କରୁଥିଲେ, ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳାକୁ କଲେ, କଳିରେ ନେମାଳେ ଯାଇ ମିଳିଲେ, ତହୁଁ କୁଣ୍ଡିନଗ୍ରେ ହେବେ ଜନ୍ମ,
କେଉଁ ଚେତା କେଉଁ ଅଚେତପଣ, କିଏ ଚେତାରେ ଥିବ କିଏ ଅଚେତର ପର ଥିବ। ତେଣୁ କୁଣ୍ଡିରେ ସାତ ଜଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ଚବିତ ଦାସ ଭିତରୁ, ଛବିଶ ଜଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ଶହେ ଭାଇ ଭିତରୁ, ସେମାନେ କୁଣ୍ଡି ଲୀଳା କରିବେ। ଏ କୁଣ୍ଡିରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନଥିଲା କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତଳେ, ଏ କୁଣ୍ଡିରେ କିଛି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ନାଗାନ୍ତି ବେଦାନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ଜନ ଯୋଗାନ୍ତିମାନେ ଆସିବେ ଏ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା ହେବ ଏବଂ ଶେଷ ଲୀଳାକୁ ନିଜେ ସହଦେବ ଆସି ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଖୋଲିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସତ୍ୟ, ଯେ କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନ ହେଇପାରେ। ଦିନେ ମୁଁ ଚୌକି ବଟରେ ବସିଛି, ନଡ଼ିଆ ଛପା ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ଡେ ଲାଇଟ୍ ଲଣ୍ଠନ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥାଏ।